हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, शाम हो चुकी है, मैंने अपना ब्लॉगिंग शाम से स्टार्ट कर दिया है। तो आज हमारे घर जा रहा है बनने मछली। ठंड में मछली बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो हम लोग आज जा रहे हैं बनाने मछली चावल, फुल देसी स्टाइल में, फुल देसी तरीके से, गाँव तरीके से, और चूल्हे पर बनाएंगे बाहर बैठ के। और ठंड तो बहुत ही ज़्यादा है मेरी तरफ, तो ठंड में मछली चावल बहुत ही मस्त लगता है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, अच्छे अच्छे लाइक कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, इधर मम्मी मछली धुलने के लिए आ गई है नल पे। तो इधर देखिए कितना साफ साफ धुल रही है, साफ सुथरा से। तो इधर दीदी मसाले की तैयारी कर रही है, उधर मम्मी देखिए चूल्हे अच्छे से जला दी है, उधर आग अच्छे से जला दी है, और इधर दीदी देखिए दोनों मिलके अपने मसाले की तैयारी कर रहे हैं लोग। इधर डाली अभी लहसुन छोड़ा रही है, इसमें हम मिर्च डाल देंगे सूखा, और पीला सरसों, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। इधर चूल्हे पे मम्मी कढ़ाई को रखती है। इधर हम प्याज काट लेते हैं, और डाली भर लहसुन छोड़ा के कंप्लीट कर दिया, पीसेगी। और हम प्याज टमाटर काट लेते हैं, फिर चलेगा धनिया पत्ती थोपने फ्रेश फ्रेश अपने खेतन में से। उधर मम्मी कढ़ाई गरमाते हुए, इधर दीदी लहसुन प्याज मिर्चा काटते हुए। तो इधर फ्रेश धनिया पत्ती खेत में खोटला है, और फ्रेश धनिया पत्ती कितनी मस्त खुशबू आती है, और सब्जी भी इससे बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो अभी हम उसको भी काट लेते हैं, और धनिया काटते ही खुशबू आनी स्टार्ट हो गई। फिर हम धनिया काट लिए हैं, अभी थोड़ा सा मटर छील नहीं लेंगे सारा। फिर कढ़ाई गर्म हो गया, अभी सरसों के तेल डालती है। इधर मछली ले लिए मम्मी, अभी इसमें हम डाल देते हैं चना का बेसन। बताना जी मम्मी कितना थोड़ा सा डाला, हल्का सा हल्दी डाल देते हैं, और बिल्कुल दो तीन चुटकी नमक डाल देंगे। इससे डालने से मछली तेल में सटता नहीं है। अब अच्छे से फेंट लेगी, तब तेल में तलेगी। और हमेशा मेरे वहाँ तल के बनता है, लेकिन आप लोग पता, मुझे कमेंट आता कि आप लोग तलते नहीं है क्या, लगता है मतलब वीडियो को ध्यान से देखिए आप लोग, क्योंकि हर एक क्लिप मतलब में का का रहेगा ये सब पूरा देखेंगे तब ना पता चलेगा कि मतलब हम लोग तल के बना रहे हैं कि नहीं, या भगा भगा कोई देखेगा तो कैसे पता चलेगा। तो हम लोग हमेशा से मछली तल के बनाते हैं। और इधर धुआंधार एकदम गर्म हो गया है तेल, ले ली। तो इधर मम्मी आ गई है सिलवट पे मसाले पीसने, तो अभी सिलवट को धुल लेती है अच्छे से, और मसाले को पीसती है। देखिए दोस्तों, इधर इधर कितना मस्त मछली फ्राई होते जा रहा है, लाल लाल एकदम। और अनु बताओ जी, ठंड में मछली कैसा लगता है तुमको? ठंड में मछली सबसे मस्त लगता है हमको, और ठंड में खाने में अच्छा भी लगता है मछली। तो इधर मसाला पिसा गया है, तो देखिए दोस्तों कितना मस्त मछली फ्राई हो गया है, और एकदम लाल लाल हो गया है। तो आप लोग देख लीजिए, हम लोग फ्राई करके बनाते हैं, क्यों नहीं। हाँ, तो इधर मम्मी निकाल लेती है अभी, देखिए दोस्तों क्या ही मस्त दिख रहा है एकदम। तो अभी दूसरा बैच डालती है मम्मी।
इधर दूसरा बैच भी पड़ गया है दोस्तों, तभी इसको भी तल लेती है मम्मी अच्छे से। उधर दीदी देखिए चावल साफ कर रही है, और इधर बड़ी दीदी देखिए जा रही है आटा सानने। तो देखिए दोस्तों इधर दूसरा बैच भी एकदम बढ़िया से तल गया, तो मम्मी इसको भी निकाल लेती है। देखिए क्या ही मस्त दिख रहा है, हुआ है एकदम मस्त हुआ है। इधर आटा सान के कंप्लीट कर दिए, डाल चावल भी साफ कर ली है, तभी मम्मी मछली बना लेती है, तब चावल बनाएंगे रोटी बनाएंगे। तो इधर तेल तो गर्म है गया है पहले से ही, अब इसमें पड़ेगा मेथी दाना। दिखाओ मम्मी, पड़ेगा मेथी दाना। इधर मेथी दाना जल गया है, अभी इसमें हम डालेंगे प्याज। तो इधर मटर छुड़ा लेते हैं, हरा मटर। मटर डाल के बनेगा? हाँ, आज मार्केट का दिन है, फ्रेश फ्रेश मटर मिला है, तो यही डाल के बनेगा मछली में। अभी फर्स्ट टाइम मछली में हम डाल के बना रहे हैं, मतलब मेरे चैनल पे, तो मछली का रेसिपी शेयर करेंगे हम लोग। मैं मटर डाल के आज रेसिपी बताएंगे। और इधर प्याज भी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया है, भुन गया है, प्याज भुन गया है। इधर पिसा हुआ मसाला डाल देंगे, और सिलबट्टे का पिसा मसाला का टेस्ट ही दुगुना हो जाता है दोस्तों। हल्दी पाउडर, नमक, गर्म नमक डाले, नमक के बाद तुरंत टमाटर डाल देंगे, और टमाटर अच्छे से गल जाएगा, मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। तो कितना मस्त और कितना कलरफुल दिख रहा है मसाले, देखिए दोस्तों। अभी तेल अलग हो जाएगा, तब इसमें पड़ेगा पानी। में देखिए दोस्तों, बिना कश्मीरी मिर्चा का ही इतना अच्छा कलर आया है। और देखिए इधर फ्रेश हरा मटर, इसको भी डाल लेते हैं, आधा कटोरी है, धुल लिए हैं अच्छे से। मसाले साथ 4 से 5 मिनट मसाला भुनेगा, और मटर भी अच्छे से भुन जाएगा। तो ये कितना मस्त दिख रहा है अनूप, मस्त दिख रहा है जी, मस्त दिख रहा है, खुशबू आ रही है, अच्छी खुशबू, बहुत अच्छी। दोस्तों को बताओ अच्छी खाना बन रहा है? हाँ दोस्तों, बहुत मस्त खाना बन रहा है, और खुशबू तो जबरदस्त आ रही है, और मसाले में तेल अलग हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना मस्त ग्रेवी भुन गया है, 7 से 8 मिनट भुना है, तेल एकदम अलग हो गया मसाले से, मटर भी अच्छे से भुन गया, और कितना कलरफुल दिख रहा है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी, अभी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आने देंगे। तो देखिए दोस्तों 5 से 7 मिनट हो गया है, और ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गई है। चलाओ मम्मी ग्रेवी चलाओ पहले। तो ग्रेवी 7 से 8 मिनट अच्छे से उबल गई है, अब इसमें पड़ेगा ये फिश फ्राई किया हुआ, और अभी फिश तो फ्राई होते ही बन गया, अच्छे से पक गया है। अभी 4 से 5 मिनट अच्छे से ग्रेवी के साथ पकेगा, अब इसको ढक के 4 से 5 मिनट पकाएगी। तो देखिए दोस्तों मछली कितना अच्छे से एकदम ग्रेवी में बन गया, और ग्रेवी भी गाढ़ी हो गई है। तो अभी हम इसमें डालेंगे फ्रेश धनिया पत्ता कटा हुआ, बहुत ही अच्छी खुशबू आ गई धनिया की, और अभी मछली को नीचे उतरा जाएगा और रोटी बनेगा। कंप्लीट हो गया, वाओ मस्त, सब्जी बनके रेडी, मछली बनके, मछली बनके रेडी, और इधर रोटी बनना स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों इधर डाली रोटियां बेलने लगी है, इधर मम्मी आग पे सेकेगी, और आग बहुत ही अच्छे से जल रहा है। तो देखिए इधर डाली, कितने गोल गोल रोटियां बनाते जा रही है मम्मी, इधर तावे पे बनाते जाएगी, इधर मस्त रोटी बनते जा रहा है। तो मम्मी इधर फटाफट रोटियां बनाते जा रही है, तो अभी सारी रोटी बना के कंप्लीट कर लेगी, और मछली बनके रेडी हो गया है, चावल भी बना लिए हैं। तो अभी हम अपने लिए बस सब्जी बनाना बाकी है, और मम्मी इधर रोटी सब बना लेगी, उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाने। तो देखिए दोस्तों इधर चावल रोटी लगा दिए सबके प्लेट में, अभी मम्मी मछली निकाल देती है। तो देखिए दोस्तों मछली की कलर कितना मस्त आया है, और अभी मम्मी मछली निकाल देती है। चलो जी मम्मी दिखाओ दोस्तों को कैसा हुआ है। बहुत लोग कहते हैं कि आपके खाने में तो कलर ही नहीं होता, तो आप ही लोग बताइए कलर है कि नहीं है। इधर इसमें मटर भी पड़ गया था, तो फर्स्ट टाइम खाएंगे मटर वाली मछली, तो देखेंगे कैसा हुआ है।
देखिए दोस्तों, इधर ठंड में फिश करी और चावल लग गया है। मछली भात ठंड में बहुत ही मस्त होता है। तो कड़कती ठंड में पीछे बैठ के सब लोग मछली चावल रोटी एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए रात कितना ज़्यादा हो चुकी है। तो देखिए गाइस, इधर खाना स्टार्ट कर दिया, तो पूछते हैं लोग से कैसा बना है। तो देखिए दोस्तों, इधर डाली खाना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ जी डाली खा के कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ। इधर मम्मी स्टार्ट कर दिया खाना खाना। तो बताओ मम्मी, बेस्ट। इधर अनूप जी का खाना देखिए दोस्तों, और देखिए मछली का कलर कितना मस्त हुआ है। देखिए दोस्तों कितना मस्त कलर है। मटर डाल के बना है अनूप, तनी बताओ तो पहले खा के कैसा हुआ है? बहुत बढ़िया। ठंड में मछली खा के मजा आ गया, और मटर वाली मछली तो बहुत ही टेस्टी हुआ दोस्तों। तो इधर मछली चेक करते हैं कैसा हुआ। एकदम अंदर अच्छे से गल गया है। गल ले जाएगा, उसमें हाड़ गुड़ थोड़ा, हड्डी थोड़ा ना है। वाह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, मस्त एकदम। तो देखिए दोस्तों, रोटी लोग खा लिए, अभी चावल के साथ खा के रिएक्शन बताता है। बहुत ही मस्त एकदम बढ़िया हुआ है। तो गाइस ये लोग खाना खा रहे हैं, खाना आप लोग देख ही लिए हैं। तो हम भी चलते खाना खाते हैं, मिलते हैं ऐसे एक नए ब्लॉग में। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।